के बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हाय, आप सब कैसे हैं यार? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। कल रात को मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत थक गया था यार, बहुत थक गया था और हमारा ना वहाँ काम भी नहीं हो पाया। तो आज क्या करेंगे, आज अपन फिर से जाएंगे बुरान भैया के पास, बिकॉज थोड़ा बहुत काम रह गया जो गाड़ी का वो करवाएंगे, बिल पे करेंगे। और शायद आज हमारे सादिक भाई का बर्थडे भी है, तो हो सकता है उनका केक कटिंग वगैरह भी हो वहाँ पे। बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है वहाँ पे। शायद तरुण भाई भी वहाँ आए, शोएब भाई भी आए, बाकी अगर उनसे मिलते हैं तो वो आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ जैसे जो जो अच्छे कमेंट्स करेंगे मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था मैं अपने भाइयों के नाम लूँगा। तो पहला नाम है कालू गुरुंग, ही इज फ्रॉम नेपाल। ही सेइंग योर व्लॉग इज ऑसम दाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दाई, कोस्ते साराम रचा, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग यार। और उसके बाद मेरे भाई का नाम आ जाता है अमन सिंह, तो थैंक यू सो मच मेरे भाई अमन सिंह भाव, थैंक यू सो मच फॉर इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारा भाई का नाम आ जाता है मानिक गेमर, सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन टू आर फैमिली, हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है दिन ब दिन, थैंक यू सो मच। उसके बाद आ जाता है द ब्लैक राइडर 07@ अंशु भाई, गॉड आपके साथ है और हमेशा हमारी दुआ भी आपके साथ है, थैंक यू सो मच, सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए मेरी जान, थैंक यू सो मच। और जल्दी जल्दी 10K करवाओ ताकि अपन जाके थार बुक कराएं। उसके बाद आ जाता है मेरे भाई का नाम विच इज़ मोहम्मद सरफराज शेख सिद्दीकी, थैंक यू सो मच मेरे भाईजान, सलाम अलैकुम, दुआ में याद रखने के लिए, थैंक यू सो मच। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक भाई हैं जो DYN एक्सपेरिमेंट, तो यार प्लीज़ भाई का भी एक चैनल है DYN एक्सपेरिमेंट, भाई को जाओ देखो, सपोर्ट करो थोड़ा जैसे आप हमें कर रहे हो, थैंक यू सो मच DYN एक्सपेरिमेंट फॉर दिस लव एंड दिस केयर, इतना केयर कर रहे हैं। सुमित आर्ट्स करके एक भाई हैं, उनको भी मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आप बोले तो रिप्लाई करो, हमने आपका वीडियो में नाम ले लिया है। बाकी आज चलते हैं बुरान भैया के पास, देखते हैं वहाँ क्या बनता है आज, बिकॉज आज जैसे मैंने बताया कल रात को काफ़ी काम पेंडिंग रह गया था, तो आज वो सारा काम अपन पहुँच के करते हैं। अभी उठाऊँ यार, आज थोड़ा सा लेट उठाऊँ मैं, बाकी अभी अपन चलते हैं देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद चलते हैं आपको पिट स्टॉप में, बाय। तो जैसा कि आपने देखा कल हमने किए थे ब्रेक पैड्स फ्रंट वाले चेंज और पीछे वाले रह गए थे, तो आज पीछे वालों की बारी है, गाड़ी का काम करा रहे हो, देखो कौन मिला हमें, इधर भी ब्लॉगिंग भैया, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। और सुनाओ क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। और आज कैसे आना हुआ आपका, किधर आना हुआ, तेरा कैसे आने हुआ भैया? हम ब्रेक पैड चेंज कराने हैं, देखो मैं भी ब्रेक पैड चेंज कराना है। हां आ चुके हैं मालिक, तो भैया ने कराए थे कल अपने EBC चेंज और EBC से आ रही है आवाज, तो भैया कर रहे हैं क्या क्लीनर, वो देखो क्लीन कर रहे हैं, आ रही है सर अभी आवाज, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, क्या हाल है सर भैया, आप ठीक हो? आप तो मेरा हाल भी नहीं पूछने आए। यार भाई के गाड़ी के टायर्स में से आवाज़ आए जा रही है, बुरान भैया सही नहीं कर रहे यार, बुरान भैया आप क्या चाहते हो, आप सही क्यों नहीं कर रहे हो यार, इतनी दूर तक 1 किलोमीटर से आवाज़ आ रही थी मुझे, ज़रा पास आके बोलो जो भी बोल रहे हैं पास आके बोलो, ज़रा पब्लिक सुनना चाहती है आप क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़। अरे हर जगह आदमी ना खुद ही लग जाता है। हेलो भाई, अच्छा भैया की डालनी है, भैया क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, आप ठीक हो? हैं लेफ्ट ही मिलाना पड़ेगा, अच्छा गर्मी है और हमें भी पता है, है ना, धूप देखो हमारी गाड़ी उधर लगी है। भाई साहब बहुत आवाज आ रही है पीछे तक,
हाँ इतनी आवाज आ रही है पीछे तक, आवाज आ रही है 4 किलोमीटर दूर तक। वो देखने ट्रक वाले को भाई साहब देखो बीच रोड के मेरा भाई, क्या कहना चाहते हो भैया आप? आ रही है इसको कैमरा? आ रही है, आपने क्यों पकड़ा दिया इसको कैमरा ना? भाई साहब इतने में नहीं आएगी, थोड़ी और चलाओ, थोड़ा पीछे से लाओ। हाँ भैया लाओ लाओ लाओ, जाने दो जाने दो, आने दो आने दो। अब जबरदस्त ब्रेक। फिर भाई क्या कहना चाहते हो आप इस एक्सपीरियंस के बारे में? चार बार पूछ चुके हो, ठीक नहीं हूँ मेरे भाई। आप मेरे बगैर आए थे ना कल यहाँ, मैं आता साथ तो आवाज़ नहीं आती। ओ भाई साहब, तो मालिक भी यहाँ आ चुके हैं है ना? The old gangster is back. सर गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय भारत। तो भाई साहब हम बैठे थे यहाँ पे और मालिक आ चुके हैं यहाँ पे। मालिक से आप ठीक हो? बट आपकी तबीयत थोड़ी कम ठीक नहीं लग रही। एनर्जी में हूं मैं एकदम फुल ऑन। पक्का फुल ऑन गाइस, क्या बोलते हैं आपका है ना फुल पावर? हाँ फुल पावर, फुल पावर सीन है, फुल पावर सीन है। क्या बात है, क्या बात है भाई के। गर्दन में भी दर्द थी, अब गर्दन सही है? गर्दन मैंने एसी 2-3 दिन बंद रखा। किसको? एसी। अच्छा एसी बंद रखा, मतलब गाड़ी में भी? इतनी गर्मी में कैसे चले यार? आज तो फिर थोड़ा मौसम सही है, बारिश हो गई कल रात को बहुत ज्यादा। ब्रेक टेस्टिंग हो रही है सर वहाँ पे। तो एसी के बगैर घर में भी एसी बंद रखा, उसे सही हो गई? तो मैं भी अगर हाँ आज, लेकिन सच में आप थोड़े से मुझे बेटर लग रहे हो। इनको बोलो कि ये भी रेस्ट करें है ना? हाँ नहीं रेस्ट करूंगा, थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैंने रात को ही भैया को फोन कर दिया था कि भैया आप तबीयत ठीक है आपकी? भैया क्यों बोलते हैं? सब बोलते हैं भैया बोलो। अच्छा हाँ सब बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, तो अदरवाइज मैं क्या बोलूँ आप बताओ? तरुण बोलो ना, तरुण भैया। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं? मैं मस्ती करता हूँ यार, आपको बताया ना फुल पावर सीन ऐसे ही रहता है अपना एक नंबर। तो भाई साहब अपन पी रहे थे यहाँ पे कॉफी और देखे हमारे बीच कौन आ गया है। हाय जावेद भैया, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वापस कब आए पुंछ से? तो पुंछ से आप कहाँ कहाँ? आप तो बड़े चक्कर लगा के आए हो, मैं आपकी इंस्टा देखता रहता हूँ। कश्मीर भी हुआ है भाई साहब, देख रहे हो जिंदगी हो ऐसी हो वरना ना हो। और ये रही जावेद भैया की थार, अल्टीमेट सी बना रही है अभी, थोड़ी सी गंदी है बिकॉज अभी आई बिलीव आज ही आए हो आप कश्मीर से? रात को आया था, अभी रात को आए और भैया कह रहे हैं मैं अपनी गाड़ी खुद धोता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिला, बिकॉज मैंने इनकी रील्स में बड़ी बार देखा है ना। जावेद भैया और बताएं कैसा चल रहा है आपका? हाँ ये ब्लैक कॉफी का राज क्या है जावेद भैया, ये बताओ? मैंने हमेशा ब्लैक कॉफी देखी है। तो ब्लैक कॉफी अच्छी बात है कि मतलब मेरा बीपी मेंटेन रहता ब्लैक कॉफी से, पर मैंने सुना लोगों का लो हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। सर आप बताओ ना आपकी कॉफी का क्या राज है? हमारी कोई कॉफी नहीं, हमने वो अभी फ्रेश लाइन पिया था। अच्छा तो वो जो ब्लू ब्लू पीते हो आज, आपने वो ब्लू ब्लू नहीं पिया? चेंज करना चाहिए। अच्छा तो चलो गाइस अभी भैया के साथ बैठ के मैं भी कॉफी पी लेता हूँ, बाकी बाद में मिलते हैं आपको। मेरी गाड़ी आ चुकी है यार, गाड़ी का काम हो गया है, बुरान भैया ने चाबी पकड़ा दी है और अब आती है बारी पैसे देने की। जब पैसे देने लगूंगा फिर बताऊंगा कितने पैसे हैं। ओके बाय। तो भाई साहब सारी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आ चुकी हैं और ध्रुव भैया पीछे कैसे रह सकते थे बड़े बड़े आर्म्स लेके। हाउ आर यू ध्रुव भैया, कैसे हैं आप? हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ये सारे ना मेरे से लेट मिलने आ रहे हैं, कल हॉस्पिटल कोई नहीं आया था, ये लाइन में पक्का डालूंगा। इन सबको मिलने आना चाहिए था ना, कमेंट में बताना, स्पेशली ध्रुव भैया को, मेरी लाइफ में आके रोज मजे लेते हैं ये और शोएब भैया। हेलो बड़ी, वेलकम टू पिट स्टॉप, बाय आवर ऑफिशियल मर्चेंडाइज फॉर ओनली 2500। शोएब भैया पैसे दो जरा, 50,000। 50,000? हां 50,000। बुरा मैं क्या आपको भी आदत पड़ी है? किल मी बिफोर दैट। सुनो भाई साहब आ चुके हैं मलिक साहब जिनका है आज जन्मदिन, यहाँ से कुछ तो गया है R15। तो ये आ गए हैं अरसलान भाई हमारे, यही हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे तंग करते हैं रात को। कैसे हैं आप सर? बढ़िया। हाँ ये आ गए अभी भाई,
ये भाई हाय हाउ आर यू, कैसे मेरा भाई, आप भी बढ़िया हो। ये भाई फुल ब्लैक है, में है। चलो तो भाई साहब, ये आ चुके हैं बर्थडे बॉय। हाउ आर यू सर, कैसा लग रहा है आज आपको? 45 साल का हो गए, 47 और भाई साहब भाई हो गए 47 साल के। भाई का कटवाते हैं केक। अब ये रहा भाई का चैनल नाम। बाकी केक बहुत ही अम्मी लग रहा है यार, क्या बात है। चलो जी, ये आ चुके हैं तरुण भैया। चलो भाई, टू मी हैप्पी बर्थडे टू मी, टू मी। क्या बात है, ये अगला शो है भाई का, केक हम तलवार से कटवाएंगे, पक्की बात होगी, है ना ध्रुव भैया का? नहीं, वो हमारे घर में होती है, नहीं हम हैं सोने की, वो फिर दुबई में जो ट्रंक्स है ना वो खुल जाए तो पूरा जम्मू ही खरीद ले। क्या बात है, क्या बात है। इनको कहते हैं योर हाइनेस ध्रुव भाई। तो क्या कहते हैं ध्रुव भैया को, क्या जाने जाते हैं? योर हाइनेस ध्रुव भाई, मतलब भाई तब भी लगेगा। ओके योर हाइनेस ध्रुव भाई, कौन लपेट रहा है? मैं नहीं, ये सच बात है। शोएब भाई आपको पता है ओल्ड गैंगस्टर कभी झूठ नहीं बोलते, है ना? जी मालिक। तो ये अभी हमें पता चला, यो क्या है, यो हाइनेस, यो हाइनेस। नहीं बिल्कुल नहीं पता था यार, कभी हवेली पे देख रहे हो। और अभी आज हमें इनकी एज भी पता चल गया, जो कि हम अगले व्लॉग में रिवील करने वाले हैं। 24, तो मैं तो परसों पैदा हूँ। 12 साल, नहीं मैं 30 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ। दो बच्चे घर पे रो भी रहे हैं, उनका मुझे अभी क्या करूँ। क्या बात है। आपके बर्थडे पे क्या भैया कह रहे हैं कि कल ऑफ रोडिंग करेंगे हम? शाम को बताएंगे। क्या बात है। मैंने खा लिया। थैंक यू बड़ा, तूने जिम में तूने ये किया था, मां कसम मत कर। अभी शाबाश यार, भाई की हालत देखो जरा, हमने खराब की। लेकिन मैं सच बात बताऊं, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू। हमें तो बताया नहीं आपने, ऐसा बाइक वाले भी निकल रहे हैं, जा रहे जा रहे। चक्कर ये गाड़ी की रिस्पेक्ट जाना है, ये हमारी सुपर कॉप है यार। लेकिन जो भी है यार, भाई की पर्सनैलिटी ऊपर से नीचे लेके, मतलब फुल ब्लैक मैन इन ब्लैक। गर्मी नहीं लग रही है? लेकिन आपको गर्मी नहीं लग रही? गर्मी बिल्कुल लग रही है यार, ये होता है जज्बा ब्लैक के लिए। नहीं पता नहीं क्या लड़की थी, भाई यही वाला आदमी था, वो वायरल वाला। इसकी अपनी बाइक बच गई, बाकी सबकी बाइक उठ चुकी है ना? अपनी बच गई। अच्छा वो भी किसी की बाइक थी, वो भी ले गए। अब थोड़े हाथ पास आ रही बारात, अब थोड़े